में जो रोपे सर्विस है, यहाँ ऊपर पुलिस से जो यहाँ कथित है, पुलिस से रोप थोड़ा नीचे आने से बंद हो गई, और उस घटना में रोपे बंद होने की वजह से जो सूचना हम लोगों को मिली, तो हम लोगों के लोकल NDRF टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किया, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल NDRF के द्वारा 11 लोगों को कल हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे। उसमें अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हुआ है और एक सीरियसली इंजर्ड है, और दे आर ऑल अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, और 48 लोग अभी भी ऊपर 12 ट्रोली में अभी भी वो लोग स्टक है, और इसके बारे में ऑलरेडी NDRF और इंडियन एयरफोर्स के भी दो चॉपर आ चुके हैं, और ITBP टीम है, और थ्रू एरियल उन सभी को इवैक्यूएशन करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दिया गया है, और भी अटेम्प्ट वो लेके अभी उसको इवैक्यूएशन करेंगे, और हम लोग लगातार यहाँ के मेंटेनेंस जो पैरेलल रोपे जो है उसके माध्यम से वहाँ जो 12 ट्रॉली में 48 लोग जो फंसे हुए हैं उनसे संपर्क में हैं, उनको कोशिश किया जा रहा है कि फूड और वाटर भी हम लोग भेजें, और इंडियन एयरफोर्स को भी चॉपर जो है उसमें भी फूड और पैकेट्स को भी रखा जा रहा है। सर, चॉपर के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है? दो बार चॉपर आई उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका, क्या कारण है उसके पीछे सर? नहीं, एक ही बार आया, पहली बार तो वो तो रेकी था, दूसरी बार जो अटेम्प्ट वो तो क्योंकि टफ टेरेन रहता है तो वो उसका वो तो रूटीन एक्सरसाइज है, वो लोग ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट करके फाइनली वो लोग रेस्क्यू करता है, तो वो लोग ऑलरेडी मल्टी एजेंसीज बैठ के वो लोग इसमें वर्क कर रहे हैं।